सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल बेलाइकॉन को दबाएं। जो कोई भी गवर्नमेंट आए किसानों के लिए किसी ने भी कोई काम नहीं किया ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसके ऊपर कर्ज ना हो किसी ने प्राइवेट ले रखा है तो किसी ने गवर्नमेंट ले रखा है।, है और जैसे हमारे खाने पीने की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है इतना हम कमा नहीं पाते हैं खाने के लिए जो जो हमारे बच्चे हैं ठीक है दो चार बच्चे कमाने अकेले हम हैं तो उसका भी पालन पोषण नहीं हो पा रहा शुद्ध से है राशन तो देते हैं लेकिन समस्या जा है और चीज पर तो बढ़ाई रही अन्य पर बहुत खर्चा बाकी बाल देखो कहा गये की डेढ़ सौ एक सौ पैंसठ रुपया किलो बिक रही है हर चीज की देखो खाली वो राशने तो है कभी महंगाई है बेरोजगारी है शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट है दो यहाँ पे टीचर है और बच्चे हर वक्त घूमते ही रहते है वहाँ पे पढ़ाई मतलब की बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं होती कम मात्रा में होती और अच्छा। तारों पे जो कटीले तार है उन पर बैन भी लगा रखी है गवर्नमेंट ने तो जो दूसरी तार लगती है वो टूटी जाती है टूट जाती है और जो रस्सी हम लोग बांधते हैं, वो सियार जो होते हैं, वो कुतर देते हैं। अगर देश माना है, हम लोग नागरिक मैं तो हिंदू मुस्लिम सवाल ही कर रहा है सी में फिर से आपका स्वागत हम खेरी लोकसभा के अभी भेड़ा गांव में हैं ये यहाँ की श्रीनगर विधानसभा में पड़ता है इस गांव में आ, अलग अलग बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर आ, वर्मा समाज या कुर्मी समाज से भी लोग हैं कश्यप समाज से भी लोग हैं मुस्लिम भी हैं लोधी भी हैं साथ में दलित समाज से भी हैं जिनको जाटर और पासी समाज से लोग हैं अलग अलग समाजों से लोग हैं आ, मिली जुला मिला जुला गाँव है आइए ज़रा समझने की कोशिश करते हैं चुनावी माहौल यहाँ पर क्या है नमस्कार जी क्या नाम हो आपका प्रदीप प्रदीप जी क्या करते हैं हमारा ये ये खेती बाड़ी का सब काम है कैसे रहे हैं दस साल किसानों के, के लिए आप बताइए जरा हाल सब ठीक है जो कोई करे सब ठीक है जो कोई भी गवर्नमेंट आया किसानों के लिए किसी ने भी कोई काम कोई नहीं किया लेकिन ये कोई भी गवर्नमेंट आई ये तो नई जब सरकार आई थी वायदा किया था कि हम दो यहाँ गन्ने का पेमेंट दो हफ्ते में करवाएंगे गन्ने का पेमेंट अभी पिछले साल वाला अभी समाप्त हुआ इस साल वाला फंसा हुआ है पिछले साल का अब आया है तो इधर का तो अब कितना आया है नवम्बर नवम्बर दिसंबर का आया आवारा पशु से आप लोग भी परेशान है वो तो परेशान है वो तो परेशान है।, है।, ये बताइए फिर अभी आप पिछली बार कहाँ वोट किए थे क्या उम्मीद कर बार बीजेपी को ही दिया गया था पूरा का पूरा का गांव थाजुट होके दिया था पूरा, पूरा गांव बीजेपी को पूरा गांव था हाँ। इस बार इस बार बीजेपी को उतना परसेंटेज नहीं मिलने वाला कितना कम होने वाला है कम से कम ये मान लीजिएगा सेवेंटी फाइव परसेंट कम हो रहेगा किस बात की नाराजगी है थोड़ा समझाइए खेती का तो आप बता रहे हैं की आवारा पशु दूसरी बात महंगाई है उसपे कोई कंट्रोल नहीं जितने में आदमी का दाल चावल चल जाता था उतने में वो आज की डेट में खेत का काम नहीं कर पा रहा वो तो कह रहे हैं की हम तो राशन दे रहे हैं सबको मुफ्त का राशन से क्या होगा तो केवल तो राशन पाँच, राशन देते पाँच देते किलो दे रहे बाकी साग सब्जी नमक है तेल है ये भी तो देखेगा और खेती का पैसा भुगतान देर से हो रहा है वो भी बहुत लेट हो रहा है उसी चक्कर में यहाँ समस्या रहती है ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जिसके ऊपर कर्ज ना हो किसी अच्छा। ने प्राइवेट ले रखा है तो किसी ने गवर्नमेंटेड ले रखा हाँ है।, है।, है तो ये बताइए आप आप कहा सोच रहे हैं उत्कर्ष शर्मा जी पर सोच रहे हैं कहाँ सोच रहे हैं इस बार नहीं। नहीं। अरे हम लोगों का ओपिनियन अलग है कुछ लोग तो वोट डालना ही नहीं चाहते जो आ? कोई भी गवर्नमेंट आए सबका हाल यही है की है वादे तो बड़े बड़े हैं तो आप वोट डालने नहीं वाले हैं या डालने वाले वोट तो देंगे जाके कहा देंगे अगर आप कह रहे हैं यही बताए तो सब इस बार जा रहा है यहाँ पे सब सपा सपा पे जा रहे हैं

जो हमारे बच्चे हैं ठीक है दो चार बच्चे का कमाना अकेले हम हैं तो उसका भी पालन पोषण नहीं हो पा रहा शुद्ध से है क्योंकि दाल जैसे खरीद रहे हैं दो सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये में और उसे सस्ती खाएँ तो बेकार मिलती है तो उसको क्या खाएंगे खाने के बाद में बीमार होंगे बीमारों के बाद में पैसे लगेंगे तो बात सर यही है सर सरकारी अस्पताल कुछ सुधरे हैं इधर नहीं सर वहाँ जाओ तो वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर गोलियां रखी हैं वो दे देते हैं कहते बुखार की है पर्चे ले लो मेडिकल पर चले जाओ वहाँ ले वहाँ से हम दवाई खरीदें जब पैसे होते तो हम क्यों जाते हैं सरकारी अस्पताल तो ये बताइए फिर किस बार क्या सोच रहे हैं वोट कहाँ सोच रहे हैं हमारा हो बस उत्कर्ष वर्मा उत्कर्ष वर्मा सपा पे जा रहे हैं सपा पे पर। पर। सपा और क्या नाम उसका ये कांग्रेस ना वो इनका गठबंधन तो तो है गठबंधन है तो चो? हम उसी को दे रहे हैं भाई तो ये पिछली बार कहाँ गए थे पिछली बार तो उन्हीं को दिया था भाई देखो किन को बीजेपी को बीजेपी को तो इस बार मन बदल गया है मन बदल गया मन बदल नहीं गया मन बदलना पड़ा पड़ा है।, है।, है क्योंकि कश्यप समाज तो बहुत भाजपा को ही वोट करता था बहुत पूरा 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 इस बार बदला है इस बार बदल गया है आप ही का ही बदला है समाज में और लोगों का समाज में हमारे परिवार में भी बदल गया है सर, आप मैं, मैं स्पीक करना चाहूँगा बोलिए आपका नाम सर मेरा नाम कबीर कश्यप है मैं लखनऊ से स्टडी करता हूँ और मेरे जो गांव में समस्याएं हैं बहुत काफ़ी समस्याएं हैं हमारे स्कूल को सरकारी जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बने हुए हैं जो मेरा स्कूल गांव में बहुत ही सुनने में आता है कि बहुत ही अच्छा है बट मैं वहां पे जब जाता हूं तो वहां पे मुझे बहुत ही डिफरेंस प्रकार का देखने को विचार मिलते हैं टीचर्स तो हैं दो यहां पे टीचर हैं और बच्चे हर वक्त घूमते ही रहते हैं वहां पे पढ़ाई मतलब कि बहुत ही अधिक मात्रा में नहीं होती कम मात्रा में होती ध्यान तो नहीं है हाँ सर। जी सर यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है टीचर और यहाँ पे जो किचन में जो रसोईया होती है वो भी उसकी भी आवश्यकता है उसकी नीड बहुत ही है तो, तो मिड डे मील कौन बना रहा है बच्चों के लिए सर अभी तो देख रहे हैं वहाँ पे मैंने एक नोटिस वहाँ पे भेजा था विकास भवन में हुँ. तो वहाँ से कोई अभी कोई सूचना नहीं मिली है आ, सर ने बोला था वहाँ पे ए, इतना प्रशासन जो है अपने लखीमपुर का हुँ. तो वो सही नहीं है मेरी हम लोगों जो विकलांग हूँ सर आप शायद देख ही रहे हैं. तो ए, मैंने एक बार एप्लीकेशन लिखकर भेजा तो वहाँ के लोगों ने उस एप्लीकेशन को छिपा दिया तो ऐसा हुआ कि सर आ, वहाँ पे जो वहाँ के जो टीचर लोग हैं वो हमको जानते भी हैं थोड़ा बहुत और मेरा सपोर्ट करते हैं बट इस बार उन लोगों ने नहीं सुना और इस स्कूल में जो हमारे गांव का स्कूल है वहाँ पर ना तो सफाई करनी है कोई और ना ही कोई ऐसी सुविधा है जो बच्चों के लिए अभी यहाँ एक लाभ मिला है एलसीडी लगने का जो कि स्मार्ट क्लासेस बन रही हैं स्कूलों में तो सर मैं यही इतना बोलना चाहता था अपने गाँव के बारे में तो ये बताइए आपके गाँव में जो दिक्कतें हो रही हैं शिक्षा की खास करके स्कूल में सुधार आप नहीं देख पा रहे हैं आपने उम्मीद करी थी कि ये नई सरकार आएगी तो कुछ सुधार आएगा स्कूलों में सर मैंने उम्मीद बहुत की अब इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात पे देखते हैं कि क्या होता है इस बार डेवलपमेंट इस बार कहाँ जाना की सोच रहे हैं इस बार वोट कहाँ करने की सोच रहे हैं सर इस बार मैं मेरी तो वोट अभी बनी नहीं फिलहाल मेरे फैमिली सपोर्ट में इस बार जो वर्मा जी हैं उत्कर्ष वर्मा उत्कर्ष वर्मा जी जी हाँ पूरी ऑल फैमिली सपोर्ट कर रही हूँ तो इस बार काफी बदलाव है गाँव में मतलब सर, है काफी डेवलप है इस बार हमारे घर का थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत अपने अच्छे से बात रखी स्कूलों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं और मुझे लगता है कि चुनावों में यही मुद्दे खो जाते हैं हिंदू मुस्लिम और इन सारी बातों के नीचे जो सही में शिक्षा स्वास्थ्य खेती मजदूरी के जो सवाल हैं ये कहीं खो जाते हैं इन्हीं मुद्दों को हम सी में बार बार निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें लगता है चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए जी साहब क्या नाम हुआ आपका जोगिंदर जोगिंदर जी क्या करते हैं जय मजूरी करते हैं मजदूरी करते हैं कहाँ गांव में ही या बाहर गोला जाते हैं गांव में गांव में हाँ। दस साल कैसे रहे हैं सरकार में मजूरी के लिए ऐसा खाते पे करते हैं बस और मजूरी करके खाना खा चलाते हैं बस और कुछ नहीं महंगाई से कितना दिक्कत हुआ ढाई सौ डेढ़ सौ रुपया दाल का दाल पर दाल पर डेढ़ सौ रुपया दो सौ रुपया दाल का हो गया है और ये जो कह रहे हैं सरकार कहती है मुफ्त राशन दे रहे हैं वह तुम कहा होते हैं किलो पाँच किलो दे, पाँच तो पाँच का होती, होती है हुँ। 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 बाकी खर्चे उससे बहुत हैं है हाँ। तो बताइए कहाँ चुनाव में सोच रहे हैं जी? है ना सोचे हैं साइकिल पर साइकिल पर हाँ। पिछली बार कहाँ गए थे यहाँ पर साइकिल पर गए आप साइकिल पर ही रहे हैं हमेशा साइकिल पर रहे ठीक है चलिए इधर बात करते हैं नमस्कार साहब क्या नाम हो आपका संजय कश्यप संजय जी क्या करते हैं आप यही खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी दिक्कतें वही हैं या कुछ ठीक है या कुछ अलग बताना चाहते हैं खेती? महंगाई है बेरोजगारी है शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। ये, ये। का कितना दिक्कत ये है? तो बहुत दिक्कत है ये हम लोग तार लगाते हैं सुबह खुल जाते हैं खेती बाड़ी से सब फसल चढ़ जाते हैं पैसा बहुत लगता है नुकसान बहुत हो, नुकसान नुकसान बहुत हो रहा है नुकसान बहुत काफी हो रहा जो पाँच सौ रूपए किसान सम्मान निधि मिलती है उससे भरपाई हो जाती है कोई भरपाई नहीं होती है बहुत महंगाई है इसमें उम्मीद क्या करी थी इस सरकार से कश्यप समाज तो बहुत हद तक बीजेपी के साथ ही जाता है ना था अब नहीं है मतलब डेवलपमेंट नहीं हो रहा बदलाव नहीं हो रहा तो आप भी बदल रहे हैं बस बदलाव है कहाँ जाने की चाचा क्या नाम हुआ अपना हबीब साहब क्या करते हैं आप हम खेती बाड़ी करते हैं खेती बाड़ी करते हैं आपको भी हमारा पशु की दिक्कतें हो रही हैं अब दिक्कत हम, हम देबो करी मनबे नहीं करें हम तो मुसलमान है अगर हिंदू होते तो झूठो बोल देते झूठ बोले अरे भाई अब हर एक इंसान का हक है इस देश में वोट करने का आ, तो हिंदू तो मुस्लिम सबका ही उतना अधिकार है इस देश में लेकिन जब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो हम तो देवो करी तो यकीन नहीं मनी तो हमका साइकीले पर जाना फायदा कांग्रेस के जाना फायदा आप कुछ भी बोले तो लोग विश्वास नहीं करेंगे आपका ना 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 विश्वास हम लोगों ने नहीं।, नहीं ये ये तो दुख की बात है क्योंकि ये देश सभी का देश है चाहे किसी भी धर्म और जाति के हो और ये जो माहौल बना है पिछले तो साल मुस्लिम का है होते। अगर देश माना है हम लोग नागरिक माए तो हिंदू मुस्लिम सवाल ही कर रहा है बिल्कुल जब से दुनिया कायम तम से है जैसे वो ठीक है पहले जमाने में बंटवारा हुआ पाकिस्तान बना वो पाकिस्तान वाले अपने यहाँ हम तो तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो यहाँ रहे थे तो भी, है ना इस्लाम तो भी, भी ज्यादा से मेरे यहाँ तो मतलब सभी का हिंदुस्तान तो इसी सपने से बना था कि सभी का देश होगा ये हर धर्म का देश होगा देना बराबर है हम लोग साइकिल पर जा रहे हैं आइए गाँव के अंदर कुछ लोग बैठे है इनसे बात करते हैं नमस्कार जी दो मिनट बात करेंगे क्या नाम हुआ जी आप राजकुमार कश्यप कश्यप जी क्या राजकुमार जी क्या करते हैं यही घर का काम खेती बाड़ी मजदूरी खेती बाड़ी मजदूरी कैसे रहे हैं दस साल आप मजदूरी भी करते हैं कैसे रहे हैं दस साल समाज के, दस साल सब कट रहे हैं इसे महंगाई बहुत है हर चीज की हुँ। और कुछ नहीं ये जो सरकार कहती है हम तो मुफ्त राशन दे रहे हैं अरे मुफ्त राशन तो देते हैं लेकिन समस्या जा है और चीज पर तो बढ़ाई रही है अन्य पर... बहुत खर्चा बाकी भी होता दाल है दाल देखो कहाँ अरहर की डेढ़ सौ एक सौ पैंसठ रुपया किलो बिक रही है हर चीज की देखो खाली मुफ्त राशन तो है तो आप यहाँ मजदूरी गाँव में ही कर रहे हैं या बाहर बस गाँव ही है गाँव में ही है तो ये बताइए फिर पिछली बार कहाँ वोट किए थे वोट बीजेपी के दिए थे इस बार भी वही मन है बाकी लोगों की तरह आपका भी बदल नहीं मन वही है बस एक आदमी से नफरत है किस सांसद मतलब जी से सांसद जी मतलब टेनी जी से तो टेनी जी को वोट करेंगे? आते है नहीं है ना? काम नहीं किए कुछ काम का जब गांव नहीं आते हैं देखते नहीं है ये बॉर्डर पर गांव है हमारा आते नहीं है है कम से कम अपनी जनता की समस्या देखो का है क्या नहीं तो इस है? बार आप मतलब उम्मीदवार देख रहे हैं हम तो लोग बीजेपी के हैं आप बीजेपी के साथ ही हैं। हाँ। अच्छा, जैसे और ये लोग मिले कश्यप समाज से इनका हाँ, तो मन बदल ऐसी कश्यप में भी हम यही कह रहे हैं बाकी लोग इनका तो मन बदल गया है हाँ। इस बार ये कह रहे हैं बीजेपी पर इस बार नहीं जाएंगे आपका मन वही है नहीं और तो हम उन्ही को देंगे थोड़ा दिक्कत है बस और कोई नहीं हम लोग गए थे ये रास्ता जो रेलवे बंद हो गई है हाँ बताइए सर बताइए नहीं जानवरों की तो सारे किसान शिकायत कर रहे हैं पूरे यूपी में बस, नाम क्या हुआ आपके अशोक कुमार वर्मा वर्मा जी क्या करते हैं खेती किसानी हाँ तो ये बताइए आपको जो जानवरों की सारे किसान यही बता हाँ। रहे है तारों पे जो कटीले तार है उन पर बैन भी लगा रखी है गवर्नमेंट ने तो जो दूसरी तार लगती है वो टूटी जाती है टूट जाती है और जो रस्सी हम लोग बांधते है वो सियार जो होते है वो कुतर देते हैं है दिक्कत हो जाती है कितना नुकसान हुआ है उसमें नुकसान कम से कम अगर एक एकड़ एक हम गन्ना लोग बोते हैं तो साठ कुंटल के हिसाब से वो निकलता है फैक्ट्री भी बताइए मिनिमम मिल्डी सिक्सटी कुंटल होती है तो उसमें फिर रह के आ जाता है बहुत और, और फैक्ट्री बताती है एक कुंटल गन्ना बोने में लागत दो के ऊपर आती है ठीक तो हम लोगों के पास बचेगा क्या मतलब चौदह दिन में उन्होंने कहा भुगतान कर देंगे गन्ना कोई गिला शिकवा नहीं है, वो तो, मिले दे रहे बजाज है। वो तो बजाज ग्रुप है नहीं दे रहा। दे रहा। हमें बजाज ग्रुप से कोई शिकायत नहीं है तो ये बताइए फिर ये जो आप थे हाथ है में जानवरों से है नीलगाय से है ये वन विभाग अपने नीलगाय को क्यों अपने बाउंड्रीशन में रखता है हुँ। ठीक हुँ। अगर धोखे से अगर हम लोगों ने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड डाला अगर उसने फसल खा लेकर मर गया खेत में तो अभी वन विभाग वाले हम लोगों को ही परेशान करते हैं हमारा फसलों का नुकसान हमारी गवर्नमेंट बचाए तो ये बताइए कि गांव में थोड़ा बटा हुआ माहौल लग रहा है इस 80 बार परसेंट बीजेपी बीजेपी कोई कह रहा था एट्टी परसेंट सपा नो नो अच्छा ठीक है वो तो कहने को है हाँ। पिछली बार हम लोग कह रहे थे सपा सपा आज भी कह रहे हैं सपा सपा लेकिन दिल में बसपा वो भाजपा भाजपा लेकिन क्यों है इतनी सारी दिक्कतों के बावजूद क्यों है दिल में भाजपा हमारी बहु बेटियां बाहर जाती हैं कमाने के लिए गरीब परिवार से बेधड़क जाती है यहां से दून जाती हैं हरियाणा जाती है चंडीगढ़ जाती है जब यूपी का नाम सुनती हैं तो अब इज्जत मिलती है हम जी के वजह से किस बारे में इज्जत मिल रही है क्यूँ मिले क्योंकि उन्होंने सम्मान दिया कैसे बहु बेटियों को मतलब क्या सुरक्षा सुरक्षा उस... उनको प्रदान की है आप कह रहे हो कि कानून व्यवस्था बेहतर हाँ हा, कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर अच्छा किया उन्होंने आप कानून व्यवस्था के तहत यहाँ पर वोट देना चाह रहे हैं हाँ हम लॉ ऑर्डर की व्यवस्था से देंगे सर यहाँ पे सभी पार्टियों के विधायक सांसद आते हैं लेकिन बीजेपी के सांसद और विधायक जो हैं वो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन उनसे शिकायत नहीं है क्योंकि हमारे योगी जी जो हैं वो उनका मोदी के नाम जो जीत रहे हैं अगर डेले क्या नहीं काम नहीं है मोदी योगी, योगी के नाम पिछले भी पंचवर्षीय में मंजू त्यागी ने एक पैसे का काम नहीं किया हम लोग ये भी पूरी निकल नहीं आती है योगी मोदी तो बढ़िया है उनको कोई गलत नहीं कह रहा लेकिन जो प्रत्याशी आता है कम से कम जनता ने चुना है अपना प्रतिनिधित्व बनाया है काम तो करिए उसका आप उसकी नहीं, अगर पॉल की थी 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 नहीं है। पॉल पे अगर पोल पे वोटिंग देखी जाए तो बेहरा की सबसे ज्यादा पोलिंग बीजेपी को ही जाता है वोट लेकिन फिर भी काम करने नहीं आ रहे हैं काम करने नहीं कम से कम मिलने तो आए सांत्वना देने तो आए काम ना कराए काम तो योगी और मोदी जी करा सुख दुख में भी नहीं आते मतलब हाँ शिक्षा पे आइए तो शिक्षा पे एक वो जब देश आजाद हुआ तब से दो टीचर चल रहे हैं। आज भी दो टीचर का सरकारी स्कूलों में है सरकारी स्कूल में बताया तो, था उस लड़के ने पूरा दो तो टीचर क्या करेंगे तो उसके लिए आप दो बढ़ाइए अलग करिए टीचर सारे टीचर दीजिएगा दो टीचर वालों की परंपरा वो चल रही है बिल्कुल उसके अलावा बढ़ने नहीं से तो कहाँ से पढ़ा है प्राइवेट स्कूल में चड्डी बनिया नहीं उतर रही हम भेड़ा गांव में थे अभी लखीमपुर खेरी के खेरी लोकसभा के भेड़ा गांव में यहाँ पर बटा हुआ माहौल लग रहा है कुछ लोग भाजपा कह रहे हैं कुछ लोग सपा कह रहे हैं कई लोगों का कहना है कि पिछली बार गाँव के ज्यादा लोग भाजपा में गए थे लेकिन इस बार पट रहा है कई लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी भी ज़्यादा भाजपा में कहेंगे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी भी ज़्यादा सपा में जाएंगे सच्चाई क्या है ये तो चार जून को ही पता चलेगा लेकिन हाँ कुछ बदलाव पिछली बार के मुकाबले सब लोग कह रहे हैं इस गांव में इस बार होने वाला है जुड़े रहे सीसीए के साथ चुनावी सफर में आपको और भी यूपी में हम घुमाएंगे धन्यवाद